सुपरहिट फरारी की सवारी के बाद अब अक्टूबर में तैयार है शर्मन जोशी हम सबका दिल फिर से जीतने के लिए, और उससे पहले वो हमें दिल्ली में मिले हैं KFC में। तो आइए जानते हैं कि कैसा लगता है आपको दिल्ली में, आपसे जानना चाहती हूँ कितना आप काफ़ी टाइम बाद आए हैं, हमने सुना है, तो दिल्ली के बारे में क्या कहना चाहते हैं जी? दिल्ली तो बहुत खूबसूरत सिटी है। दिल्ली में जो सेंस ऑफ रोमांस रहता है, आप सारे हम फिल्म मेकर्स बार बार दौड़ के दिल्ली आते रोमांटिक फिल्म शूट करने। दिल्ली की एक मैग्निफिसेंस और ग्लोरियसनेस है जो हम बॉम्बे वाले डेफिनेटली बहुत इजीली महसूस करते हैं, बिकॉज बॉम्बे में हम छोटी गलियों में और रहने की आदत रहती है हमें, तो दिल्ली की ग्रैंडनेस का क्या कहना। उसके अलावा हम रंग दे बसंती के वक्त जब यहाँ पे शूट किया था, तब मैंने बहुत वक्त बिताया था, तो दिल्ली को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा था। पिछले 2-3 बार जब भी आया हूँ दिल्ली को ठीक से देख नहीं पाया हूँ, बिकॉज मौका नहीं मिलता है। लेकिन दिल्ली के खाना बड़ा मज़ेदार रहता है, सेंस ऑफ स्टाइलिंग बड़ी अच्छी रहती है, तो वो सारी खूबियाँ है दिल्ली की। बात है आपकी आने वाली फिल्म, ठीक है, वॉर छोड़ो ना यार, नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है थोड़ा, मतलब आपकी हर मूवी में एक मैसेज होता है, लोग को छू जाती है, चाहे वो रंग दे बसंती हो, फरारी की सवारी हो, हमेशा याद रहती है आपकी फिल्में। इस फिल्म में क्या खास है हमें बताएं? जी, वॉर छोड़ ना यार एक वॉर कॉमेडी है जो इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। इस जॉनर में इंडियन सिनेमा में आज तक फिल्म नहीं आई है, वो उसकी एक USP तो है ही है, बट उसके अलावा एक ऐसी फिल्म है जो फराज़ हैदर जो इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है, बड़ी कमाल की फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है उन्होंने, और एक ऐसी फिल्म है जिसमें हम सब बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं, सारी की सारी टीम, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब 11 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ होगी तब ऑडियंसेस और दर्शकों को इतनी पसंद आएगी। ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तानी सोल्जर्स की कहानी है जो एट द बॉर्डर पर कैसे उनकी कैजुअल रिलेशनशिप है, कैजुअल बैंटर होता है, कैसे यारी दोस्ती मस्ती की बातें होती है और अच्छा एक रिश्ता शेयर कर रहे हैं वो लोग, टिल वॉर ब्रेक्स आउट, वॉर का ऐलान होता है और वॉर शुरू हो जाती है, और फिर वो लोग कैसे मिल करके इस वॉर को रोक पाते या नहीं, वो इस फिल्म की कहानी है। कहानी तो लाजवाब है, लेकिन आपको कितनी उम्मीद है इस मूवी से? आजकल जो है अभी चेन्नई एक्सप्रेस 300 crores और ये सब, तो 200 तो यस 200 प्लस, तो क्या मतलब आशा है आपको अपनी आने वाली? देखिए, ये फिगर्स जो है वो सारे दे आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लव दैट द ऑडियंसेस हैव गिवन टू द फिल्म, सो दे आर जस्ट फिगर्स इन माय माइंड, बट द फिगर्स रिफ्लेक्ट द लव विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो वी आर होपिंग एंड एज अ टीम ऑफ वॉर छोड़ना यार कि हमें ढेर सारा प्यार मिले और फिर वो प्यार के जरिए पैसे भी हमारे प्रोड्यूसर इतना ही कमाए और हम सब खुश हो। अब उम्मीद तो रख सकते हैं, उसके अलावा खाली ये बात पक्की है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, हम इस फिल्म पे वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म, एंड बाकी ऑडियंसेस कितना उसे पसंद करती है वो अब ऑडियंसेस के हाथों में। आपकी मूवी में हमेशा एक संदेश होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, तो इसमें क्या संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और कितना बदलाव आएगा इससे? जी, मेरी इस फिल्म में भी संदेश तो ज़रूर है। संदेश यही है कि फाइनली इंडिया और पाकिस्तान जो बेसिकली भाई थे, जो अभी जुदा हुए हैं काफ़ी सालों से अभी, उनको बेसिकली मिलजुल कर रहे, उसी में उनका फ़ायदा है, क्योंकि बड़े सुपर पावर नेशंस जो है जो हमारा गैर उपयोग करते हैं, हमें इस्तेमाल कर रहे, हमें वीकर करते, उसके खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो हमें मिलजुल के रहना होगा, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर बीइंग यूज्ड, एंड वंस वी कम टुगेदर एज अ टीम वी कैन बी एज पावरफुल एज एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड। थैंक यू शर्मन हमसे बात करने के लिए। जाते जाते आपकी किसी भी फिल्म का एक डायलॉग। डायलॉग तो यार मुझे बड़ा याद नहीं रहता है, वो 3 Idiots की गाने की एक लाइन बोल देता हूँ, सारी उम्र मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। क्या बात है, शर्मन ने बोला है एक पल तो हमें जीने दो, और इस समय मैं हूँ शर्मन जोशी के साथ, कैमरा पर्सन संदीप के साथ, रूपल न्यूज़ पॉइंट।